हेलो गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ एकदम सिंपल पराठे, एकदम घी वाले। तो उसके लिए पहले मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इस आटे को अच्छे से गूंथा मैंने। तो इसमें जो पानी है ना, वो ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम, एकदम प्रॉपर वे। मतलब पराठे के लिए थोड़ा है ना, जो आटा है ना वो थोड़ा नरम होना चाहिए। देखो मैं प्रेस करके आपको दिखा भी रही हूँ। फिर इसका अपन लोई बना लेंगे। लोई बना के फिर इसमें पनोथन लगा के अपन इसको अच्छे से बेल लेंगे। अब इसको हम अच्छे से तो अब एकदम, बोलेगा ना एक मतलब बार ही बहुत होती अच्छे खत्म से बेल के सब बेलेंगे। कुछ। और इसको बेल के हम इस पे थोड़ा सा है ना क्या करेंगे कि घी अप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो घी था ना, वो सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा जम गया था, तो मैंने को थोड़ा गर्म कर लिया, फिर इस पर अप्लाई किया। फिर मैंने इसको टैप टैप करके इसको ट्रायंगल शेप दिया। फिर थोड़ा साइड से ऐसे कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कई बार है ना घी निकल जाता है। फिर हल्के हाथों से बेल ले इसे, फिर इसे तवे पे चढ़ा दे। और फिर जब भी एक साइड से सिक जाए तो इस पे अच्छे से घी लगाए एकदम चारों साइड से, है ना। और फिर इसके बाद पलट दे इसको अच्छे से। फिर दूसरी साइड पका हुआ है, उधर भी घी लगाए। मेरे को एक्चुअली जो है ना ज़्यादा घी पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लगा रही हूँ, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से करें भाई, अपनी डाइट के हिसाब से, है ना। तो ऐसे सिक गए पराठा, अब मैंने इसको उतार लिया है। तो मुझे अचार के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये कैर का अचार है जो मुझे बहुत पसंद है। तो थैंक यू।